अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोज.com, विजिट करें अभी www.rozgarkikhoj.com। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बनेंट के आप सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि आप सभी को अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना होगा, कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा, सभी सेंटर का आपका किस दिन एडमिट कार्ड आएगा, क्या आपकी एग्जाम डेट रखी गई है। यदि अभी तक भी आपका एडमिट कार्ड आपके घर पर नहीं पहुँचा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको आपका एडमिट कार्ड मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को चलिए एडमिट कार्ड की तरफ लेकर चलता हूं। मेरे पास कई एडमिट कार्ड आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सबसे पहला एडमिट कार्ड रहने वाला है जो आपने भरकर भेजा था अपने फॉर्म में, लास्ट वाला पेज वही आपके पास बैक आने वाला है जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे आपके एग्जाम डेट को लेकर, तो 9 अक्टूबर 2023 को आप सभी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को 23 सितंबर 2023 से आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस भी मिलने वाली हैं। यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप इंडियन एयरफोर्स के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। फ्रेंड 15 दिन की लगातार मेहनत के बाद आप सभी के लिए जीके और इंग्लिश के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। यदि आप नोट्स बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि आपको, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा चुका हूं कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी 9 अक्टूबर 2023 रखी गई है। ये आपका एक एडमिट कार्ड रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा यहाँ पर एडमिट कार्ड दिखाना चाहूँगा। ये आपका दूसरा एडमिट कार्ड रहने वाला है। इसमें आप देख पाएंगे आपका यहाँ पर 9 अक्टूबर 2023 को आप सभी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका वहाँ पर क्या क्या होगा इसके बारे में जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी को आपका एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, कैसे आपके घर पर एडमिट कार्ड आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले आप अपने पोस्ट ऑफिस के कांटेक्ट में रहें, यानी कि आप एक तो अपने जो भी आपका डाकघर है वहाँ पूछ कर आएँ कि आपका अभी तक एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। साथ ही फ्रेंड्स, जो आपके गांव का डाकिया है, आप जिस शहर से बिलोंग करते हो, जो भी आपके आसपास डाकिया है उससे कॉन्टैक्ट कर लें। आपका एडमिट कार्ड जैसे आएगा तो वो आपको प्रोवाइड करा देगा। आप सभी के डाकिया यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप सभी के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपका किसी भी रीज़न के कारण पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका एडमिट कार्ड घर पर नहीं आ पाता है तो आपको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कॉल भी आ जाएगी। जो आपकी कॉल यहाँ पर आपकी आएगी वो आपके यहाँ पर 25 सितंबर 2023 से आप सभी के पास कॉल आनी शुरू हो जाएंगी और आपके आप सभी के पास 30 सितंबर 2023 तक कॉल आने वाली हैं। यानी कि अलग अलग सेंटर से आपकी भर्ती है तो किसी सेंटर को 25 सितंबर को कॉल की जाएगी, किसी को 26 को। तो आपको जो भी कॉल आए उस कॉल को ज़रूर रिसीव कर लेना। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तीसरा भी ऑप्शन रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है ईमेल आईडी। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी ने सही सुना, जो आपने अपने फॉर्म में ईमेल आईडी फिल की थी उस पर भी आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। आपका एडमिट कार्ड जो ईमेल आईडी पर आने शुरू होंगे वो आपके लगभग 25 सितंबर से आप सभी की ईमेल आईडी पर भी आने यहाँ पर एडमिट कार्ड यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अभी तक भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, आपके सभी के घर पर जो 30 सितंबर 2023 तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो भी आप ये एडमिट कार्ड देख रहे हो, ये अभी जो भी वहाँ पर सेंटर के आसपास के स्टूडेंट हैं उन्हीं का एडमिट कार्ड आया है। साथ ही अभी कुछ ही सेंटरों के द्वारा एडमिट कार्ड को भेजा गया है। अभी दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, जोधपुर, आपका ये जो मेन मेन स्टेशन है इनके द्वारा अभी एडमिट कार्ड नहीं भेजे गए हैं। जैसे इनके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी आपके कुछ ही सेंटर के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं, लेकिन 30 सितंबर 2023 तक सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड यदि आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं मिलता है तो आपको वहाँ से कॉल आ जाएगी। साथ ही आप ईमेल आईडी पर भी आपका डाउनलोड एडमिट ईमेल आईडी से भी आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से प्रिंटआउट निकलवा के लेकर जा सकते हो। यानी कि आपको एडमिट कार्ड को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपकी यहाँ पर 40% हो, 50% हो, चाहे आपने स्पीड पोस्ट किया हो, रजिस्टर्ड पोस्ट किया हो, ऑर्डिनरी पोस्ट किया हो, सभी का यहाँ पर एडमिट कार्ड आने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि आपका यहाँ पर
आपका जैसे आप वहाँ पर एग्जाम देने जाओगे तो आपका मेडिकल में क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, किस दिन आपका मेडिकल होगा, किस दिन आपका फिजिकल होगा, ए टू जेड जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर क्लासेज भी इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।